Now, the decision on bail is going to be now. And presiding officer, we give his ruling. Honourable members, public safety bill or great dispute bill. आजादी से संबंधित पर्चे फेंके गए, बम फेंके गए और असेंबली को भंग कर दिया गया। ये पहला अंक नाटक का था, आपने देखा इसको। ये पहला प्रथम अंक है नाटक का, उसके बाद तुरंती द्वितीय अंक। आप गेट पर ही थे ना? जी हुजूर। अंदर वाले गेट पर या बाहर वाले गेट पर? वकील से पूछताछ चल रही है। आपके धमाकों और गोलियों की आवाज सुनकर आप अंदर की तरफ भागे, वहीं आपने देखा कि ये लोग गोलियां चला रहे। उधर क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए और जवाब दीजिए। जब आप हॉल में दाखिल हुए तो ये लोग गोलियां चला रहे थे, हाँ या ना? जी हाँ, जी हाँ। बाहर वाले गेट और अंदर वाले हॉल के दरमियान कितना फासला होगा? जी यही कोई 25-30 गज होगा। यानी 25-30 गज का फासला तय करने के बाद जब आप हॉल में दाखिल हुए तब भी ये लोग गोलियां चला रहे। जी ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, एक ही सवाल बार बार पूछकर मेरे एक काबिल दोस्त क्या साबित करना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन, दूसरा सवाल कीजिए। मी लॉर्ड ये बहुत अहम सवाल है, हाकिम खान जवाब दीजिए। जी हाँ ये लोग गोलियां चला रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, इन्होंने गोलियों की आवाज बाहर भी सुनी थी और 25-30 गज का फासला तय करने के बाद जब ये हॉल में दाखिल हुए थे तब भी मुल्जिमान गोलियां चला रहे। अब मिलॉर्ड, दो दो गोलियां चलाने में कितना वक्त? आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, अब मैं सार्जेंट टेरी से कुछ सवाल पूछना चाहूँ। परमिशन ग्रांट से सार्जेंट टेरी अदालत में हाजिर हो। सार्जेंट टेरी, आप हिंदुस्तानी समझते भी हैं और बोलते भी हैं, राइट? यस। आपने अपने बयान में कहा है कि जब आपने मुलजिम भगत सिंह और मुलजिम बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया उस समय उनके हाथ में ऐसा ही कुछ पिस्तौल था। You are correct, sir. और इन्होंने दो दो गोलियां चलाई, क्या ये सही है? जी हाँ। सर्जन टेरी, इस पिस्तौल में कितनी गोलियां थी? To be exact, 6, sir. यानी गिरफ्तारी के वक्त इनकी पिस्तौलों में 4-4 गोलियां बाकी थी। Maybe, sir. अगर ऐसा था सर्जन टेरी तो आपने इन्हें गिरफ्तार किया। ये कैसा बेतुका सवाल है? Objection sustained. मेरा ये बेतुका सवाल नहीं है, बताइए सर्जेंट टेरी, आपने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया? जब रोज खत्म हो गए सर। आपको कैसे मालूम कि पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, वकील सफाई मेरे गवाह को दिमागी तौर पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, यू आर वेस्टिंग टाइम मिस्टर आसिफ अली। नो मी लॉर्ड, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। बताइए सर्जेंट टेरी, आपको कैसे मालूम हुआ कि पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं? आई न्यू इट। यू डिड नॉट नो इट, इट्स अ लाइ, इट्स अ ब्लेटेंट लाइ। आप झूठ बोल रहे हैं। जब पिस्तौल ही नहीं था तो गोलियां होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साफ जाहिर है मिलॉर्ड कि मेरे मौकिलों पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। मेरे मौकिलों का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, आजादी इनका हक है और अपनी आजादी के लिए लड़ना दुनिया के किसी कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है। और अगर ऐसा है तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की नहीं, मैं भी मुस्लिम हूँ, सारा हिंदुस्तान मुस्लिम है।
ये दूसरा दृश्य चल रहा है खुद ही अपनी आप इंजेक्शन ले लीजिए मैंने कहा ना मुझे इंजेक्शन सेकेंड हो गया थोड़ा सा है इसमें भी पार्ट किसी भी दलील को सुना नहीं जाता था और फैसले सुनाए जाते थे ये चीज यहां पर दृश्यांकन हो रहा था कि खुद ही अपनी जात की रसवाई पे न जाओ फजा खराब है हस्तों को भी छुपा जाओ तुम ही हाकिम तुम ही मुद्दई जिसे भी चाहो सजा दो जिसे भी चाहो बचा जाओ तो ये यहां पर चल रहा था और अब हम एकांकी के अगले चरण में चलते हैं जहां पर भगत सिंह अनेक यातनाओं को सह के अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं उन्हें कैद कर दिया गया है और उनके सामने पानी की भी समस्या है ऐसा दृश्य जो हमारे आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त है भगत सिंह बट केसर दत्त और राजगुरु तीनों पड़े हुए हैं भयंकर यातना में पानी में नसीब नहीं है ऐसा दृश्य आपके सामने पैर बना रखो कर्टन सरदार जी फांसी देने का हुक्म आ गया आप तैयार हो जाए दो पन्ने ले लो पढ़ लो चलो कोई बात नहीं आप कह सकती हो कि ये काम तो अपने भगत का चला गया वहां अपना कौन सा खराब है आप इंजेक्शन ले लीजिए मैंने कहा ना मुझे इंजेक्शन नहीं पानी चाहिए पानी ये लोग समझने के लिए हमें पानी चाहिए हमें पानी चाहिए सुन रहा है कोई दुनिया की किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया होगा पानी न देने का वक्त जिस किसी अफसर ने दिया अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून कर दूं पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए सतर सिंह जी थोड़ा सा पानी लिया तो जतिन का बचेंगे नहीं एनर्जेटिक से किस तरीके से पानी की डिमांड होती है और पानी नसीब नहीं है अब हम अगले दृश्य में चलेंगे जहां पर फांसी का दृश्यांकन है भगत सिंह को अमर क्रांति पुरोधा के नाम से जाना जाता है आपको ये मालूम होगा कि भगत सिंह से जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी तो हंसते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे गांव के हलवाई के जो रसगुल्ले हैं हमने बहुत दिन से नहीं खाए हैं बस हमको वो रसगुल्ला मिल जाए बाकी हमें कोई अंतिम इच्छा नहीं है अब आप ये सोच सकते हैं मदर उनकी गई थी मदर से उन्होंने कहा था कि माँ तुम्हारा सपना था कि मैं दूल्हा बन रहा हूँ वरमाला जानते हो क्या है फांसी तो फांसी का फंदा होगा वो मेरा वरमाला होगा और जो घोड़ी होती है जिस पर दूल्हा चढ़ता है उन्होंने कहा था वो तख्ता होगा जिस पर मैं चढ़ूंगा वो मेरी घोड़ी है और पराती कौन है मालूम है
पूरा हिंदुस्तान हमारा बाराती होगा, फांसी का तख्ता हमारी घोड़ी होगी और जयमाला कौन होगी? फांसी का फंदा। माता ने पूछा दुल्हन, तो बताया उन्होंने मौत। क्या बताया? मौत, मौत हमारी दुल्हन होगी। ऐसे राष्ट्रनायक थे भगत सिंह। अब हम उनके जीवन के अंतिम दृश्य को देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने फांसी को हंसते हंसते चूम लिया। आखिरी दिन है सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाए। दो पन्ने रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थिया जब उठेंगी शहीदों की ओ, ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं, हो हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आंखें भिगो ना नहीं, इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं। फांसी के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, फांसी के लिए भी सामने गैलरी से आएंगे आप लोग। गैलरी खाली कर दी जाए, फांसी के लिए लोग लाए जाएंगे वहां से, इसलिए गैलरी थोड़ी सी खाली कर दी जाए। लाइन आप सुनिए कि जब तिलाई रंग सोने सिक्कों को उछाला जाएगा। तिलाई रंग माने क्या होता है? सुनहरे रंग। जब तिलाई रंग के सिक्कों को उछाला जाएगा, जब मेरी गैरत को दौलत से लड़ाया जाएगा, जब रगे अल्फाज को मेरी दबाया जाएगा, ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग बच जाऊंगा। तो ऐसे कुछ जज्बात हमारे शहीदों के रहे। जल्लाद साहब सामने से जाए आना है। आप लोग भी एक बार जोर से बोलिए, हम बोलेंगे इंकलाब, आप बोलना जिंदाबाद। इंकलाब। चलिए अब माहौल को ले चलते हैं सामने। आपको एक और बात बता दें, भगत सिंह के अलावा एक और करेक्टर है सुभाष चंद्र बोस। आप थोड़ा सुनिए कि जब सुभाष चंद्र बोस में हिटलर से मिल रहे हैं और हिटलर के पास तीन बॉडी डबल थे, मतलब उनके जैसे ही तीन बंदे थे, और हिटलर ने पहले अपना बॉडी डबल भेजा, सुभाष चंद्र बोस ने देख कर बता दिया, कहा यू आर नॉट रियल हिटलर, यू आर बॉडी डबल ऑफ हिटलर, आप हिटलर के बॉडी डबल हो। दूसरा को भी वापस किया, तीसरे को भी वापस किया, तब हिटलर खुद चल के आया। अब पहली बार ऐसा बंदा आया है जिसने ये पता लगा लिया कि मैं हिटलर हूँ या मेरा बॉडी डबल है, और वो आदमी कौन था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, हालांकि उनके टाइम में बड़ा अंतर है। आईसीएस एग्जाम में उन्हें उत्तीर्ण किया था, जिसको अब हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तब उसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज भी कुछ लोग कहते हैं सिविल सेवा, तब उसका नाम था। और ही वाज द वन ऑफ द टॉपेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडिया हु बी सक्सेसफुली आईसीएस एग्जामिनेशन, और फॉरेन डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हो रही थी, उन्होंने पोस्टिंग को ठुकरा दिया,
का जो पोस्टिंग मुझे मेरी मातृ वतन से दूर करे, मातृ वतन में क्या होता है, मातृभूमि, जो पोस्टिंग मुझे मेरी मातृ वतन से दूर करे, लानत है इसी पोस्टिंग पर। तो अब हम चलते हैं फिर से भगत सिंह की ओर, एक बार फिर से इंकलाब जिंदाबाद। ओपन प्लीज प्ले। अंतिम इच्छा गले मिलने की।